अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है, अनदर ब्लॉग ऑन योर स्क्रीन्स। एंड बन रही है बिरयानी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, लेकिन अब मैं आपको बिरयानी बना के भी लूँगी। इतना बिरयानी आपको मैंने बताया था कि मैंने रेसिपी दी हुई है यहाँ पर, आप अगेन था आपने देख लें। सो चलते हैं बिरयानी की तरफ, बिरयानी बनाते हैं, देन आपको बिरयानी बना के अंडे बॉयल करके एंड रायता बना के मिलती हूँ, सारा कुछ करके मिलती हूँ ऑलमोस्ट। अगर कोई बीच में मुझे आपकी आपको बताने की कुछ ज़रूरत पड़ी तो कैमरा ऑन करेंगे। जेजी अंदर, जेजी को सुलाने की कोशिश की जा रही है, सो नहीं रहा, गलती से बोल रहे, गलती सो रहा है। तो बिरयानी बना के आपको मिलती हूँ मैं। बिरयानी तो रेडी हो गई है, मज़ेदार किस्म की, दम भी मैंने खोल दिया एंड गंद भी आप देख सकते हैं कितना डाल गया। चटनी बन गई थी, हरी चटनी यानी पुदीना सारा मैंने डंडल से उतार दिया था। एंड ये देख सकते हैं पुरानी चटनी थी एंड ये हरी नई चटनी हमारी। एंड और कोई काम नहीं हुआ अभी तक, चटनी जो है हमने अपने लिए भी बना ली, पकाया दही उधर रख दिया, ट्रे में रखते हैं। बोतल भी मंगवाई थी साथ, क्योंकि फ्रेंड मेरा तो बिल्कुल दिन नहीं था कि बोतल आए, लेकिन मामा जो है ना, मामा को लगता है कि कुछ स्पेशल पका है तो आज बोतल होनी चाहिए। ऐसा अब क्या रोज़ हम बिरयानी बनाएंगे क्या, तो रोज़ बोतल मंगवाएंगे, और बोतल मंगवाने का भी मसला नहीं है, ये मसला है कि ये पहली चीज़ तो कि आपकी बॉडी से पता नहीं क्या क्या होता है, और दूसरी चीज़ मामा के अकॉर्डिंग कि खाना इससे हज़म होता है। आप कमेंट्स में बताएं मेरी बात सही है कि स्टमक और ये सारी चीज़ें ये इतना इसमें वो होता है, तेज़ होती है ये, तो ये होता है कि मामा की बात सही है, खाना हज़म होता है। तो अब अंदर चलते हैं, खाना खाते हैं। जेजी को सुलाने की नाकाम बहुत सारी कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो नहीं सोया। यार ये सारा जो है ना खारा अभी उठाना पड़ना है, और मेरा काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था कस्टर्ड खाने को एंड मामा का कॉफ़ी पीने का। मामा कॉफ़ी भी ले आएंगे, ये देखें ये, एंड मामा दिल्ली एंड कस्टर्ड भी ले आएंगे। सो ये भी बनेगा आप किस दिन। हमने बिरयानी खा ली थी एंड इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग, इतनी मज़े की बिरयानी फ्रेंड्स के आप तो इमेजिन कर सकते हैं। आप कैसे इमेजिन करेंगे फ्रेंड्स, मैं क्या कह रही हूँ फ्रेंड्स, मैं इमेजिन कर सकती हूँ लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप मेरी रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि मैं इतनी तारीफें क्यों कर रही हूँ। अल्लाह, इट वाज सो 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 गुड, आई जस्ट लव्ड इट। बहुत मैंने पेट भर के खाना खाया, चटनी फुल डाल के खाया, बहुत मज़ा आया, साथ में कोक भी। एंड कोक पीते ही देख सकते हैं मेरी आवाज़ बदल चुकी है, वैसे तो पहले ही मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन कोक पीने की वजह से और नाक बंद हो गया था और अभी तक नहीं खुला। अभी वही टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है जिस टाइम हमने कल रात को ये बिरयानी खाई थी जो आपने देखी अभी भी। अब मैं आपको अपडेट देना चाह रही हूँ हुआ क्या। बिरयानी खाने के बाद यू नो फुल पेट फुल करने के बाद एक दो घंटे बाद मामा ने मुझे कहा चाय बना दो, मुझे चाय बना कर दी मामा को। एंड देन मैंने काट लिया वाटरमेलन, वाटरमेलन अब फिनिश भी हो चुका है फ्रेंड। वाटरमेलन इज समथिंग के अगर तो कटा हुआ मिल जाए और ठंडा हो तो मैं आधे घंटे में पूरा वाटरमेलन फिनिश कर सकती हूँ, लेकिन जेजी और मैंने बहुत खुश होकर खाया। जेजी लव्ड वाटरमेलन, जेजी ने पता नहीं, ये अब मैं नहीं कह सकती कि शायद उसे फर्स्ट टाइम खाया लाइफ में, पहले भी गर्मियाँ आई हैं, हाँ मेरा ख्याल उसने खाया हुआ था वाटरमेलन पहले भी। एंड अब मैं आपको सीन बताना चाह रही हूँ। उठ गई फिर मैं सो के, यानी वाटरमेलन काट के सो गई फ्रिज में रख के। एंड आपको बताया था कल के ब्लॉग में कि काफ़ी सारे वेजिटेबल्स कट करने हैं, सो के उठी चाय वाटरमेलन खाया, वाटरमेलन से ब्रेकफास्ट किया यानी। एंड देन मैंने थोड़ी देर बाद आपको बताया वो डाइजेस्ट हो जाता है, भूख लग गई थी तो एक वाकर हनी डाली कप के अंदर ही, वैसे मैं बाउल में खाती हूँ। वो खाने के बाद अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है, डिनर टाइम होने वाला है, तो डिनर के लिए डिनर टाइम से थोड़ा पीछे चलते हैं। मैंने वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट कट कर दी हैं, कैप्सिकम जितनी ज़्यादा थी जो वो मैंने कट कर दी, आपके साथ शेयर करती हूँ। कबेज कट कर दी हैं एंड पुदीना कल ही कट कर लिया था, आपको कट नहीं किया था नहीं, उसके डंडल से उतार दिया था, आपको बताया था मैंने कल के ब्लॉग में। उसकी चटनी बना के रख दी थी, वो बताना भूल गई थी, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड और क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल, बन रहे हैं, आपको बताया था कल के ब्लॉग में कि टमाटोज़ नहीं है, तो मैंने कहा था टमाटोज ना हो तो टमाटो के बगैर आलू के पराठे बन सकते हैं, आलू के सैंडविचेस बन सकते हैं, तो यही दो चीज़ें बन सकती हैं।
तो हमने आलू बॉयल कर लिया। हलामा मकाई थी, अगर टमाटर वाली कोई चीज़ भी आनी है कोई मसला नहीं है, मैं मंगवा देती हूँ, अली गन ले आती हूँ जाके। मैंने कहा क्या आप जाएंगी या किसी से मंगवाएंगी, मैं आसान काम करती हूँ, आपका भी फेवरेट मेरा भी फेवरेट आलू के पराठे या आलू के सैंडविचेस बना लेते हैं। ब्रेड भी अवेलेबल थी, आपको बताया था कल के व्लॉग में आज बहुत ज़्यादा बार बोल दिए, मैंने कमेंट्स में बताएं कितनी बार बोला। फिर उस जिसने बताया होगा ना, क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, आप ही कमेंट में बता दें जो बताएंगे ना, अगर तो करेक्ट आपने बताया हुआ, जब मैं एडिट करूँगी गिन लूँगी कितनी बार मैंने कहा है। एनीवेज तो हमने आलू के सैंडविचेस सोच लिया था, तो वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ डिफरेंट तरीके से बनाने जा रही हूँ। और मैं आपके साथ, मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैंने उस दिन जो है क्या चीज़ की रेसिपी मैंने आपको अगले वीडियो में बताई थी, पता नहीं कुछ ऐसे, मुझे आज भी यही लग रहा है कि अगले वीडियो में जो है ना, मैं आपके साथ आलू की सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और डिफरेंट स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार किस्म के सैंडविचेस आपके साथ मैं बस मटेरियल शेयर करूँगी, आगे आपको सस्पेंस बिल्कुल भी नहीं दूँगी कि मैंने क्या डिफरेंट करना है और क्या यूनिक करना है और क्या इसको इंटरेस्टिंग और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए करना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, उससे आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके होम पेज पे आ जाया करेगा कि कुद्सिया आमना जिब्रील चैनल की जो है ना वीडियो आ गई है। और आलू के सैंडविचेस डिफरेंट स्टाइल, न्यू स्टाइल, जैसे मामा ने उस दिन बारबेक्यू सैंडविचेस बनाए थे, दैट वाज सो गुड इन टेस्ट, तो वैसे ही आज मैं आपको डिफरेंट बनाने जा रही हूँ। मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ हालात किचन के, यूनिक वाली चीज़ पड़ी है तो हम यहाँ नहीं जाते, और ये है जी आलू का सैंडविच का मटेरियल, एंड ये जो यूनिक वाली चीज़ है ना उसका मटेरियल, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसकी मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ कि क्या मैंने करने वाला है, मैंने क्या करना है इसके साथ। तो इधर आते हैं हम, एंड ये जेजी के लिए पोटैटोज निकाल दिए, जेजी के लिए चावल भिगोने हैं, जेजी को पोटैटो और राइस देने क्योंकि जेजी डोंट सिर्फ ब्रेड खा लेगा, अगर आलू के पराठे बनाए जेजी डोंट लाइक यू नो रोटी एंड पराठाज, जेजी लव राइस, आई डोंट नो व्हाई। अब चलते हैं हम किचन की तरफ, मामा और अनिया पे चले गए अपनी। यहाँ पे कैप्सिकम्स एक तो मैंने जो कट की हैं वो लंबे लंबे स्लाइसेस में, आई एम गोना ओपन दिस शॉपर फॉर यू गाइस बिकॉज आपको अच्छे से नज़र आना चाहिए। ये देखें, ये मैंने काफ़ी सारी ऐसे लंबी लंबी कट कर दी हैं, इसको मैं बाहर आई अल्लाह बाद में गिरा लगाती इधर रखती हूँ। एंड एक मैंने काटे हैं ये ऐसे, ये नहीं जैसे शैशलिक मड़ा होते हैं, तो ये काफ़ी सारे ये काट दिए, काफ़ी सारे ये कैरेट भी काट ली थी, एंड फीलिंग सो गुड, कवेज आपको बताया था कट हो गई है, एंड काफ़ी सारी वेजिटेबल्स पड़ी हैं, फुल ऑन यू नो सारा कुछ ठीक पड़ा है, लेकिन कोरिएंडर जो है ना वो इतना कोई मुझे खूबसूरत नहीं लग रहा, मोटिवेट नहीं करा काटने के लिए उसको, इसलिए मैंने नहीं काटा। अब ये देखें कोई इतना खूबसूरत नहीं, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं। मामा कह रही थी अनियंस ब्राउन करके रख दो फ्रीज़र में, तो ये देखें कि कोई इतने ज़्यादा तो नहीं है, एक वो बड़ा नहीं है ना, एंड ये कुछ छोटे से अनियंस है, इनको क्या ही मैंने काट के रखना, यूज़ हो जाएंगे। सो ये सारे सीन्स से तो आलू के जो सैंडविचेज़ हैं उनकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, नेक्स्ट व्लॉग वही होगा इंशाल्लाह, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। पानी की बोतलें भर के रखी हुई हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, ये दही जो है ना इतना मीठा था ना कि मेरा दिल चाहता इसको ऐसे ही खा लूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि मैं इसको कैसे खाऊँ ना, डेट्स ही अच्छी वाली दूसरी हैं ये वाली, ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये वाली, साथ में आलमंड्स नहीं थे, पिस्टैशियोज थे, पिस्टैशियोज आई डोंट प्रेफर इन योगर्ट, बनानाज भी नहीं थे, सो वाटरमेलन था, पर हर एक कोई यानी उसका दूसरी कोई चीज़ थी, यानी उस तरह की फ्रूट में जैसे वाटरमेलन था बनाना की जगह, नट्स में आलमंड्स नहीं थे लेकिन पिस्टैशियोज थे, डेट्स में ये वाली डेट्स थी दूसरी वाली नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं ये योगर्ट नहीं खा पाई। वैसे मामा का इंडियन कड़ी जो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी वो खाने को दिल चाह रहा था, बट राइसेस बॉयल्ड नहीं थे अवेलेबल फ्रेंड्स, ये दही जो है ना खट्टा ना हो जाए बस, वैसे तो होने वाला नहीं जितना अच्छा ये दही था। सो हम चलते हैं अपने किसी और काम की तरफ, एंड आई फील आई शुड एंड दिस व्लॉग हियर कॉज This is not going to be so long, but I feel like ending this here. This was today's vlog. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें फ्रेंड फैमिली के साथ, बिकॉज दिस इज एन एशियन डेली व्लॉगिंग फैमिली यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।